किसके बारे में पढ़ रहे हैं? देखो मैंने पिछले टर्न पर आपको डिफरेंसेस बता दिए थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यू का, ठीक है, अब यूनिसेलर, मल्टी सेलर, ठीक है। तो भाई अपन जो चैप्टर है अपना मेन कौन सा है? अपना मेन चैप्टर सेल है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ सेल किससे बना होता है? ये है सेल, ठीक है। सेल क्या? ये है सेल, ठीक है। सेल जो अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होती है? मेन होती है एक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेन क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। सुनना ढंग से बेटा, इसमें क्या भरा रहता है? सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है भाई, फ्लूइड, ठीक है। जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल के लिए वर्ड यूज होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको एक बात कही थी, याद रखना कि रटना नहीं है, कुछ भी समझना है भाई, है ना। क्या करना है? समझना है। साइटो का मतलब क्या बताया था? साइटो का कहीं भी वर्ड साइटो हो उसका मतलब होता है सेल, ठीक है। और प्लाज्म हो, कहीं भी वर्ड प्लाज्म हो, उसे कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं भाई? लिक्विड। तो सेल के लिक्विड को अपन क्या कहते हैं? सेल के लिक्विड को क्या कहते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेल जो होता है, सुनना ढंग से, ये पूरा का पूरा सेल है भाई, ठीक है। इसकी जो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। याद है भाई, इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीएम जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, सेल मेम्ब्रेन, सीएम, ठीक है। या फिर इसे पीएम भी कहते हैं भाई, सीएम और पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। इसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड के चारों तरफ, सुनना सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं, ये लिक्विड है, हाँ सर लिक्विड है, ये लिक्विड है, हाँ सर लिक्विड है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? प्लाज्म कहते हैं, लिक्विड यानी प्लाज्म। तो प्लाज्म या लिक्विड के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सर सेल मेम्ब्रेन का नाम कैसे पड़ा? सुनना बेटा, देखो सेल है, सेल है, हाँ सर ये सेल है। सेल के तरफ जो चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल की मेम्ब्रेन, सेल की झिल्ली, सेल की मेम्ब्रेन, उसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। आरिवा समय में, और जो लिक्विड होगा उसे क्या कहेंगे? सेल का लिक्विड। अब सेल का लिक्विड यानी क्या लैंग्वेज, अपन जो है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेल का लिक्विड जो है उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेल को क्या कहते हैं? साइटो। और लिक्विड को कहते हैं प्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहलाने लगेगा। आरिवा समय में ये क्लियर हुआ ये बात सभी को? सेल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं इसको? इसको सेल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? ये वाली बात क्लियर हो गई? देखो एक एक क्या होती है बेटा, ये जो सेल होता है, ये अपन ने जो सेल देखा, इसकी दो चीजें होती हैं। एक होती है सेल बाउंड्री, ठीक है, कि बाउंड्री में कौन है, और जो है अंदर क्या है, ठीक है, अंदर क्या है, मटेरियल अंदर क्या है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सर आपने तो रट्टे दे दिए, रुक जाओ बता रहा हूँ क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, समझना इस बात को, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर होते हैं ऑर्गनील्स, सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सारे के सारे ऑर्गनील्स होते हैं। जैसे जैसे समझना इस बात को, जैसे मेरी बॉडी है, क्या है मेरी बॉडी है, उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग, जैसे लेवर, किडनी, ठीक है, लेवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है। वैसे ही सेल के अंदर भी क्या है? बहुत सारे ऑर्गन है। वैसे ही सेल के अंदर भी क्या है बेटा? बहुत सारे ऑर्गन है, ठीक है। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो ये बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। अरे और एक सबसे मेन जो है, ये जो है बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस बेटा, बीच में क्या होता है बेटा? ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये मैं बात बता चुका हूं, जैसे मैं इस रूम के सेंटर में प्रेजेंट हूं, इसलिए मैं क्या क्या कहेंगे कि करण सर इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ द रूम या सेंटर ऑफ द रूम। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेंटर। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेंटर। आरिवा समय में, अगर मैं अगर इस रूम के सेंटर पे हूंगा तो आप कहना करण सर इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ रूम, या आप ये भी कह सकते हो
करण सर इज प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ रूम, क्योंकि न्यूक्लियस और सेंटर तो एक ही बात है ना यार, है ना, क्लियर है ये बात? चलो तो अब देखो इस बात को समझना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सेल बाउंड्रीज दो तरीके की होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। बाउंड्री बेटा सेल, ये सेल है इसकी, एक तो ये बाउंड्री है बेटा, है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं अपन, क्रिकेट मैच है ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच की कैसे बाउंड्री होती है कि भाई इसके पार गया तो चार रन, है ना, इसके पार गया तो चार रन, डायरेक्ट चला गया तो छक्का, है ना, वैसे ही क्रिकेट, जैसे क्रिकेट मैच में बाउंड्री होती है वैसे ही सेल की भी बाउंड्री होती है, सेल की भी क्या होती है, बाउंड्री होती है, तो ये कहलाई जाती है सेल बाउंड्री। क्या कहलाई जाती है? सेल बाउंड्री कहलाई जाती है। अब सेल बाउंड्री में क्या क्या आता है इस बात को समझना, सेल बाउंड्री में आता है एक तो सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। सर आपने लाल वाली सेल मेम्ब्रेन तो बता दी सर, ये लाल वाली जो होती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, बिल्कुल सही। सर ये सेल वॉल क्या है बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, आरिवा सर में सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी, लेकिन सेल वॉल किस में मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो आपको पहचानना हो प्लांट सेल कौन सा, एनिमल सेल कौन सा, आप कैसे पहचानोगे, सेल वॉल से, किससे ऊपर, सेल वॉल। जैसे मुझे एक बात बताना, ये क्या होगा, ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है एनिमल सेल है, मुझे ये बात बताओ कौन सा सेल है, ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन सा सेल है आप कौन बता रहे हैं, सेल है एनिमल सेल है, प्लांट सेल, क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मिलती है। और ये वाला कौन सा सेल बेटा, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है बताओ, यारा कौन सा सेल है, यारा कौन सा सेल है, एनिमल सेल, एनिमल सेल, यारा कौन सा सेल है, एनिमल सेल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, मेन चीज क्या नहीं है बेटा बताओ, ऊपर से ऐसे कवच नहीं है इसके, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल कहते हैं, वो कवच नहीं है, इसलिए एनिमल सेल है, क्लियर है ये बात, कवच नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी सेल वॉल, देखो सेल वॉल होती है बहुत हार्ड, इसलिए प्लांट भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, देखो जैसे अपन जो क्या होते हैं, ह्यूमंस कैसे सॉफ्ट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती अपने सेल के अंदर, है ना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, गोगली गोगली बुच, है ना, जबकि प्लांट जो होते हैं उनको ऐसे दबा करके देखना जरा, है ना, उनको प्लांट को दबा करके देखना, वो दबेंगे नहीं, आ रही बात समय में। तो सेल बाउंड्री दो चीजें बनती है, एक तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जिसमें से सेल मेम्ब्रेन जो होगी दोनों के अंदर होगी, प्लांट सेल के अंदर भी होगी और एनिमल सेल के अंदर भी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चैट पर बताना सभी जने, कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल कौन सी होगी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है वाला, ये एक प्लांट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल बताओ भाई, आई बात समझ में, तो ये एक प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या पीएम या सीएम कहो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहो, ये प्राइम मिनिस्टर और वो मत याद रखना, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये मत करके आया ना, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, है ना, सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन, पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सेल, सेल वॉल जो हो गई आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, ठीक है, सेल प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बात अपन को क्लियर हो गई। देखो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है आपका, एक तो आता है आपका ये देखो, एक तो आता है न्यूक्लियस ये वाला और साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो लिक्विड है और जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा, लिक्विड जो होता है, जैसे लिक्विड होता है इसमें कौन तैरता है, लिक्विड में जैसे नाव तैरती है ना, पानी में जैसे नाव तैरती है वैसे ही बेटा इसी इस पानी में बेटा ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है सर, हमें तो साइटोप्लाज्म लग रहा है, अरे साइटोप्लाज्म ये अंदर है भाई, ये साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है,
ये रहा साइटोप्लाज्म लिक्विड पोर्शन, ठीक है। ये कौन सा है, कौन सा कॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा है कॉन्ड्रिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आरी बात समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था, याद है सभी को, क्योंकि इसमें कैसा लगता है जैसे थ्रेड जैसा पार्टिकल होता है, ऐसा लगता है जैसे इसकी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसे फोल्डेड रहती है इनर मेम्ब्रेन। कैसी रहती है इनर मेम्ब्रेन, फोल्डेड रहती है ना इनर मेम्ब्रेन। तो ऐसा लगता है जैसे थ्रेड डाला हो अंदर, ठीक है, कोई भी चीज के अंदर क्या डाला हो, थ्रेड, थ्रेड डालते हो जानते हो, धागा, ऐसा लग रहा है पतला सा धागा डाला हो, इसलिए इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी थ्रेड लाइक पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटो का मतलब क्या होता है इसमें, माइटो का क्या मतलब होता है, थ्रेड। माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, पार्टिकल। तो थ्रेड लाइक पार्टिकल को अपन क्या कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड लाइक पार्टिकल को अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे थ्रेड डाला हुआ अंदर, है ना, थ्रेड डाला हुआ अंदर। आरी बात समझ में, तो भाई कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई साइटोप्लाज्म में सिर्फ लिक्विड नहीं होता, ठीक है, ठीक है, सिर्फ लिक्विड, लिक्विड तो प्लाज्म को कह लेते हैं अपन, है ना, पूरा सेल आ गया इसके अंदर, है ना, और उसके अंदर तैरते हुए ऑर्गेनिल्स भी आ गए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके तैरते हुए जितने भी ऑर्गेनिल्स होंगे, ठीक है, ठीक है, आरी बात समझ में, जैसे पानी है, पानी में नाव वगैरह तैरती है, वैसे ही बेटा जो ऑर्गेनिल्स तैर रहे हैं इसके ऊपर वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ करके, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आरी बात समझ में, सबसे मेन चीज प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में सिर्फ लिक्विड नहीं होता, उसमें सेल के और कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसमें साइटो यानी सेल, सेल के दूसरे कंपोनेंट्स भी तैर रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजंस, मतलब सीधी बात यह, और भी जो नाव तैर रही होती है, सीधी बात यह, वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, एट्थ चैप्टर में, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एट्थ क्लास में ही पढ़ा होगा, तो अपन फिर भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे करके बस इतना याद रखो, जो तैर रहे हैं ना ऑर्गेनिल्स, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, और न्यूक्लियस जो बीच में, वो भी प्रोटो जो है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को। चलो अब सुनो, साइटोप्लाज्म में कौन कौन आता है, सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है बेटा वैक्यूल, वो आता है, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजंस आते हैं, जिनके बारे में अभी डिटेल में अपन देखेंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, कौन क्या होते हैं ये, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। आरी बात समझ में, वैक्यूल वो स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बताया था, याद है किसी को, वैक्यूल क्या करता है बेटा, वैक्यूल क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर करने का स्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज बैग है, क्या है बेटा, स्टोर, स्टोरेज बैग है बेटा, ये क्या करता है, स्टोर करता है इस मटेरियल को, अपन पढ़ेंगे डिटेल में, क्या करता है ये, स्टोर करता है बेटा मटेरियल को, ठीक है, जो भी चीज मटेरियल जो है, जैसे खाना हुआ, कुछ भी चीज हुई, पानी हुआ, पिगमेंट हुई, ठीक है, कुछ भी हुआ, वो क्या करेगा, जो भी सेल के अंदर जो भी चीजें होंगी वो क्या कर लेगा, अंदर बैग है एक तरीके से, बैग, ठीक है, बड़ा सा बैग है, वो सारा का सारा क्या मटेरियल को स्टोर करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, स्टोरेज बैग है, ठीक है। जैसे अपन के घरों में नहीं होता स्टोर हाउस, अपन सब चीजें पटक देते हैं, जो भी चीज एक्स्ट्रा में आ गई, ठीक है, जैसे गेहूं भर भर के ले आए, है ना, घर बहुत सारी गेहूं उतरी घर पर, तो अपन जो है स्टोर हाउस में डाल देते हैं गेहूं को, वैसे ही बेटा सेम टू सेम वैक्यूल का काम होता है, वैक्यूल यानी स्टोर हाउस, वैक्यूल यानी स्टोर हाउस। ठीक है, और साइटोप्लाज्म, सेलुलर ग्रेन्यूल्स, सेलुलर ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स मतलब बेटा जानते ही हो, जैसे अपने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन, जैसे अपनी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी वगैरह, वैसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये सेल है, सेल के भी क्या होते हैं, ऑर्गन होता है, जैसे अपन सेल ऑर्गेनिल कहते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं अपनी बॉडी में, क्या काम, कौन काम करता है, अपने ऑर्गन काम करते हैं, स्टमक काम करता है, हर्ट काम करता है, किडनी काम करती है ना, किडनी काम करती है ना, तो वैसे ही सेल के अंदर कौन काम करता है, सेल खुद कुछ काम नहीं करता, उसके अंदर के ऑर्गन नहीं ऑर्गेनिल, ऑर्गन नहीं ऑर्गेनिल, अगर अगर बॉडी है तो ऑर्गन,
और अगर सेल है तो ऑर्गनील, बॉडी है तो ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, और सेल है तो सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्गनील, उसके ऑर्गनील काम करते हैं, उसके ऑर्गनील वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, जो थ्रेड जैसा पार्टिकल है, माइटो यानी थ्रेड, कॉन्ड्रिया यानी पार्टिकल, उसका काम है एनर्जी को बनाना, एटीपी को बनाना, वो बनाता है, ठीक है, आरिया समय में। ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, तो वो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, ठीक है। अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, प्रोटीन का काम होता है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्या क्या अपन जो सब पढ़ेंगे ना चीज, अभी स्टार्ट है चैप्टर का, स्टार्टिंग है, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि क्या क्या अपन को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ये अपन कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये कल अपन डिटेल में देखेंगे, कल ही देखेंगे इसको। तो आरिया समय में ऐसे ही जो है, ये बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह, है ना। और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं, बताऊंगा बेटा, छोटे छोटे ग्रेन्यूलर बॉडीज होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना जैसे, वैसे इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रेन्यूलर बॉडीज होती हैं, जिन्हें अपन जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूलर बॉडी जैसे ग्लाइकोजन, ठीक है, जैसे जैसे रहता है ना ग्लाइकोजन वगैरह छोटा मोटा, है ना, या फूड वगैरह पार्टिकल्स ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बाहर की तरफ से, ठीक है, तो उसे अपन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं, ग्रेन्यूलर बॉडीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ग्रेन्यूलर बॉडीज होती हैं, वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, आगे जाके पढ़ेंगे ये भी, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रख लो, क्लियर हुआ इतनी बात। साइटोप्लाज्म में अपन ने पढ़ लिया सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वैक्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना एक एक करके, बस इतना ध्यान रखना। जैसे अपना ये ऑर्गन है, बस तुम तो इस ऑर्गन को देखो, जैसे अपने ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जैसे किडनी है, लिवर है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती, है ना, वैसे ही बेटा, वैसे ही इन ऑर्गन्स के तरफ भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो वो भी किससे बना होगा, मेम्ब्रेन से बना होगा, ठीक है, किससे बना होगा, मेम्ब्रेन से बना होगा, ठीक है। तो भाई ट्रिक याद कर लो, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गनी, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गनी कौन से होंगे, मैंने बताया था आपको, बताओ कौन कौन से, एमएनसी, ठीक है, एमएनसी कौन से होंगे, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल्स होंगे, ये चार्ट चार्ट आपको बनाना है बेटा, ये वाला, है ना, एमएनसी क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल्स होंगे, ठीक है। और जो है अगर मैं बात करूं, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होंगे, अगर मैं बात करूं, ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन हो तो उसे क्या कहेंगे, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन अगर का हो, एक मेम्ब्रेन का हो ऑर्गेनेल, तो उसे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कहेंगे। और भैया बिल्कुल ही जो है मेम्ब्रेन ना हो, बिल्कुल खेल खत्म हो, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है भाई, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं है, तो उसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल कहेंगे। ट्रिक मैंने आपको इसकी बताई थी, सुन लो भाई, वाली ट्रिक सुन लो, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, यानी इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है बेटा, आर बी सी, तो आर बी सी इसकी ट्रिक हो जाएगी बेटा, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल की ट्रिक क्या है, आर फॉर राइबोसोम, ठीक है, बी फॉर बेसल बॉडी और सी फॉर सेंट्रियोल, ठीक है, चलो आज रिवीजन, ठीक है। और ऐसे ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल की कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एन, क्या है एन का मतलब क्या होगा, जल्दी चैट पर बताओ, एन का मतलब क्या होगा, एम यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सी यानी क्लोरोप्लास्ट, और एन यानी क्या होगा, न्यूक्लियस, एन यानी क्या होगा, न्यूक्लियस। तो आप एक और जोड़ दो भाई, ये डबल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाला एक और ऑर्गेनेल जोड़ दो जिसकी दो दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनेल, ठीक है, या ऐसा सेल का ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है, वैसे ही सेल का क्या होता है, ऑर्गेनेल होता है, याद रखना, जैसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं किडनी, लिवर, है ना, वैसे ही सेल के क्या होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, वो काम करते हैं। तो दो मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, तीन हो जाएंगे बेटा ये आपके लिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस एम एन सी बेटा, क्या कहोगे इसे, एम एन सी, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एन फॉर न्यूक्लियस और सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, ये बात ध्यान रखना। तो आपको दो ट्रिक याद करनी है, एम एन सी और आरबीसी, ठीक है, एम एन सी और आरबीसी आपको याद रखनी है,
सिंगल मेम्ब्रेन का कैसे याद करोगे, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा, इन छह ऑर्गेनील के अलावा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये तो डबल मेम्ब्रेन हो गए। मेम्ब्रेनलेस यानी मेम्ब्रेन के बिना कौन कौन से हो गए, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी, ठीक है। इन तीनों को, इन छह ऑर्गेनील को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनील आप पढ़ोगे, जैसे लाइजोसोम पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे, ज्यादातर सारे के सारे सिंगल सेल होते हैं, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल कवच के, सिंगल कवच के। आ रही बात समझ में? जैसे कर्ण, तुम जो जानते हो कि तुमने महाभारत पढ़ी होगी, तो उसके पास जो थे कवच था, एक्स्ट्रा कवच भी था, है ना, डबल कवच था उसके पास, है ना, ऐसे याद रखना, मतलब डबल डबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। आ रही बात समझ में? कवच था, डबल डबल मेम्ब्रेन है, किस किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के पास। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेट बॉडी या गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम, इनके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये बात ध्यान में रखना। सर ये होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता क्या है गोल्गी बॉडी? अरे भाई टेंशन मत लो, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में कल से स्टार्ट पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। देखो भाई ये अपना सेल है, एक सेल है हमारा भैया, है ना, कौन सा वाला सेल है, कोई भी ले लो आप, ये हमारे जैसे जो है एनिमल सेल ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर बीच में हमारा न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में, और आसपास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और बहुत सारे लाइसोसोम वगैरह सब है इसके अंदर, ठीक है, सब मैं वो दिखा नहीं रहा लेकिन सब है। लेकिन मेन अपन की जो चीज होती है वो क्या है, मेन अपनी चीज क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो सबसे मेन चीज क्या है, न्यूक्लियस बीच वाला और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें आ जाती है, लिक्विड भी आ जाता है साथ साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी सब किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की अगर बात करूं, तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू प्रोटोप्लास्ट, क्या कहेंगे बेटा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट यानी क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू प्रोटोप्लास्ट। तो दोनों में अंतर है भाई, स्टार मार्क लगा देना भाई, दोनों में अंतर है, ये स्टार मार्क लगा देना, एक प्रोटोप्लास्ट में और प्रोटोप्लाज्म में स्टार मार्क लगा देना, ठीक है, कि भाई अंतर क्या है, प्रोटोप्लास्ट में क्या लिखोगे, कोई अगर आपसे बोले न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेल जो है वो उसमें क्या होता है, वो क्या है, पूरा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अंदर का पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है अंदर का, और इसके अंदर से सेल मेम्ब्रेन भी जब आ जाएगी तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा भाई, प्रोटोप्लास्ट कहलाया जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा सुनना डरा मुझे, अब जिसको समझ में आया होगा वो मुझे बताना, क्लियर क्लियरली बताऊंगा, क्लियरली बिल्कुल क्लियर, देखो सुनना ढंग से, ये अच्छे अच्छों को नहीं पता ये बात, ठीक है, सुनना ढंग से, ये देखो, और ना कहीं मिलेगी ये बात, ना बुक में मिलेगी ढंग से, लेकिन पूछी जाती है ये, ठीक है, तो और पूछी क्या जाती है, ये दूसरे चैप्टर में भी मिलेगी, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट होगा वहां पर, प्रोटोप्लास्ट होगा, लोग क्या समझते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म ही है यार, तो एक ही चीज है यार ये तो, है ना, दूसरे चैप्टरों में, ठीक है। लेकिन आप समझना प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सुन लो यहीं पर ही, ये जैसे ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये है सेल वॉल, इसके अंदर का जो भी चीज होगी, जैसे ये इसके अंदर की जो भी चीज होगी, जैसे ये है, क्या मैं इसके अंदर की पूरी चीजों को, ठीक है, पूरी की पूरी चीजों को प्रोटोप्लास्ट कह सकता हूं? नो सर, क्या इसके अंदर की पूरी पूरी की पूरी पूरी चीजों को प्रोटोप्लास्ट कह सकता हूं? पूरे के अंदर पूरा है ये भी और ये भी, अंदर का भी, ठीक है, अंदर का भी और बाहर का भी, यस दोनों का, क्या कह सकता हूं, क्या, कौन था वो नो सर वाला, क्यों सर, कह सकते हो, कह सकता, अब कैसे यस यस सर, हो क्या, गया देखो भाई, तो भाई अगर मैंने प्लांट सेल की मैंने ऊपर से सेल वॉल हटा दी, तो क्या बच जाएगा मेरे को, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट मिलेगा या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, बताओ बेटा,
प्रोटोप्लास्ट मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? प्रोटोप्लास्ट। अगर मैं प्लांट सेल की मैं याली लेयर भी हटा देता हूँ, पहले मैंने सेल वॉल हटाई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाई, ठीक है, बचा क्या? फिर सब कुछ बचा इसके अंदर का, जो भी लिक्विड था वो सब पोर्शन वोर्शन सब बचा, तो क्या कहलाएगा भाई बताओ? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ये एक पूरा प्लांट सेल है। अगर इस प्लांट सेल की मैं जो है सेल वॉल गायब कर दूं तो मुझे क्या बचेगा? सेल वॉल गायब कर दी मैंने तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा बेटा ये पूरी चीजें, सारी की सारी चीजें, जैसे अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बचेगा? ये प्रोटोप्लास्ट बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगर इसकी ये अगर प्रोटोप्लास्ट बचेगा ये, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है अंदर का, और क्या? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? प्रोटोप्लास्ट बनेगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटो, ये प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल मेम्ब्रेन इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट बचेगा मेरे पास। अगर मैं ये भी हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड बेटा, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और मेरे पास अगर मैंने ये कर दिया तो, ठीक है, अगर मैंने ये हटाया नहीं और लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। 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 प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो जैसे आप जो है ऐसे याद रखना, जैसे प्लास्ट जो है दीवार, दीवार जो होती है, ऐसे याद रखना बेटा, याद करने का तरीका ही रखना, भूल जाते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में। तो बेटा प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर अपन दीवार पर लगाते हैं, प्लास्टर किस पे लगाते हैं बताओ? प्लास्टर किस पे लगाते हैं? दीवार पे। दीवार पर लगाते हैं ना, दीवार पर। तो भाई अगर प्लास्टर है तुम्हारे पास तो मतलब दीवार होगी तभी तो प्लास्टर लगा पाओगे, दीवार होगी तभी तो प्लास्टर लगा पाओगे। यानी प्रोटोप्लास्ट में क्या होती है? दीवार होती है। दीवार किससे? दीवार का मतलब क्या है मेरे से? दीवार का मतलब क्या होता है? दीवार का मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भैया, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो बात ही अलग है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो इसके ऊपर होता है। कठिन चीज है, पहली बार में कठिन चीज पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये सेल वॉल तो ये है ही, ठीक है। ये क्या है? ये वाला वाली पूरी चीजें मिला करके क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये पूरा का पूरा अंदर का पूरा माल क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है भैया? ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट। अरे यार ये सेल मेम्ब्रेन है यार, नहीं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों जब आ जाए तो उन दोनों को मिला करके अपन क्या कहते हैं भाई? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। ये किस किस को क्लियर हो गया भाई ये बताओ? किस किस को क्लियर हो गया? अब किस किस को क्लियर हो गया ये बताओ जरा? कोई ऐसा महान व्यक्ति जिसको नहीं हुआ हो, जिसके सिग्नल वीक जा रहे हो, किसी को बड़े बड़े लोग हैं, किसी को कोई फोन आ रहा हो अंबानी का, बताओ भाई कोई ऐसा? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये बात आप यहाँ पर लिख लेना, सेल वॉल अलग ही है बेटा, सेल वॉल का केस अलग ही है, ठीक है। ये लिखना सेल वॉल, डार्क ब्राउन कलर से ये भी बना लेना आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है सेल वॉल। और ये क्या है भाई ये बताओ जल्दी से? एक्टिव रहा करो, सोया मत करो। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये क्या है इसके अंदर का जो लिक्विड वगैरह सब मिला करके क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। सब लिक्विड है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है, सब कुछ भंडारा है इसके अंदर, है ना। तो ये जो है पूरा पूरा क्या कहलाया जाएगा? ये प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये सब मिला करके पूरा भंडारा मिला करके पूरा, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट।
प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्लियर है भाई? अरे क्लियर है क्या? यस सर। सुनना ढंग से, जैसे अब ये जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब आपको मैंने एक बात बताया है, अगर एनिमल सेल होगी तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? एनिमल सेल की बात लिखी हुई है, एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ना एनिमल सेल में, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। अगर प्लांट सेल हो तो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। याद है मैंने आपको बताया था, अगर प्लांट सेल हो तो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है, सेल वॉल बताया था मैंने, याद है आपको। और एनिमल सेल में सबसे अंदर वाली कौन सी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये तीन अपन जो है पढ़ चुके हैं वाली पॉइंट। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होगी। ठीक है, ये हो गया प्लांट सेल। और एनिमल सेल है तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल है तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर, अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? एनिमल सेल में। तो ये बात आपको पता है, ये वाली तीसरी वाली लाइन वाली हो गई। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं ये जो है, अगर मैं बात करूं, ये सुनना, ये बात दोनों बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर हुई बात? ये दोनों बात क्लियर हुई? ये बड़ी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, अंदर जो होता है जो भी कंपोनेंट होता है वो लिविंग होता है, और बाहर जो कंपोनेंट होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अंदर का लिविंग कंपोनेंट को क्या कहते हैं भाई? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन आता है? सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल वगैरह सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, वो लिविंग चीज जो वो लिविंग कहलाती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बाउंड्री है, बाउंड्री, उस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बात ध्यान रखना, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन कि ये जैसे ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में एंट्री हर किसी को नहीं देते मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एंट्री हर किसी को नहीं देते, सिलेक्ट करके एंट्री देते हैं। भाई तुम अपनी मार्कशीट दिखाओ, कितने आए हैं तुम्हारे? 600 नंबर आए हैं, 550 नंबर आए हैं। अच्छे अगर होंगे मार्क्स तो फिर वो एंट्री अंदर करने देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं वो। ठीक है कि भैया इसको एंट्री सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्टेड हो गया, कहते नहीं मैं सिलेक्ट हो गया कॉडी मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है गेट की तरह है बेटा, सोल्जर की तरह है। ठीक है, सोल्जर की तरह एक तरीके से वो क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि हाँ यार ये लड़का जो है होशियार है, इसके 600 मार्क्स आए, चलो अंदर जाने दो। अरे इसके तो 100 मार्क्स ही रह गए, इसको बाहर कट दो जरा, है ना। अरे वैसे में तो इस तरीके से जो है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है जो है क्लोराइड को अंदर आने देना या नहीं आने देना, सोडियम को अंदर आने देना या नहीं आने देना, वो सिलेक्ट करती है। ठीक है, किसी को अंदर आने देती है, जैसे क्लोराइड को अंदर आने दे दिया उसने, लेकिन सोडियम को मना कर दिया, बेटा जाओ चलो नहीं आने दे रही, क्या कर लोगे, जाओ निकलो। ठीक है, पहली फुर्सत से निकलो, बोल देती है साफ। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, ये बात ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाली बात तो मैंने आपको बताई दी, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एनिमल सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों बात मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, ये तीन अभी आप ये जो है ये तीनों आप लाइने कर लेना, बाकी की अपन जो है ये दोनों और आगे का जो है अपन कल नेक्स्ट टर्न पर इसको कंप्लीट कर लेंगे।